ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा के रोहतक में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा से मिलीभगत करके कांग्रेस का जो खेल खत्म करने का प्लान बना रखा है। ऐसे में कांग्रेस के एक एक वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ करनाल में कमजोर प्रत्याशी उतारना और अब राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव में प्रत्याशी खड़ा न करने की घोषणा करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। किरण चौधरी के बाद अब कांग्रेस के कुलदीप शर्मा, कैप्टन अजय यादव व करण सिंह दलाल के नाम की चर्चा चल रही है। अभय चौटाला शुक्रवार को रोहतक पहुंचे और रुपया चौक पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा, लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं जबकि विधानसभा चुनाव के अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों का विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। दावा किया कि अगली सरकार इनेलो की बनेगी। साथ ही चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे दिन रात मेहनत करें और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा के साथ मिलीभगत कर हुड्डा कांग्रेस को कमज़ोर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत, अशोक तंवर, अरविंद शर्मा, कुलदीप बिश्नोई सहित वरिष्ठ नेताओं को इतना मजबूर किया गया कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब यही हाल किरण चौधरी व उसकी बेटी श्रुति चौधरी के साथ किया गया है, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। चौटाला ने कहा कि यह बात साफ है कि ईडी व सीबीआई के डर से पूर्व सीएम हुड्डा जेल जाने के भय के कारण भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। जजपा को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि जिस पार्टी का वजूद ही नहीं बचा, इस बारे में किसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की बनेगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।